मंदसौर जिले के शामगढ़ कृषि उपज मंडी प्रांगण में SDM तहसीलदार द्वारा बैठक संपन्न की गई, जिसमें कृषि मंडी में सभी व्यापारी, कस्बा पटवारी एवं कृषि मंडी के कर्मचारियों को आगामी दिनों में मंडी में नीलामी हेतु शेड्यूल बनाकर खरीदी के आदेश देते हुए कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ध्यान रखते हुए क्षेत्र में किसानों को आ रही फसल को लेकर परेशानी का तुरंत निराकरण आप और हमारे माध्यम से ही हो सकेगा। यह SDM केसी ठाकुर द्वारा सभी व्यापारी बंधुओं को बताया गया, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा गया। शामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। क्या है, आज शामगढ़ मंडी जब भी पिछले बंद पड़ी थी तो अभी जिला प्रशासन ने निर्णय लिया कि किसानों की मांग को देखते हुए कुछ गांव कई गांवों को भागों में बांट के 12-12 गांव बांट के और सभी प्रकार की फसल की नीलामी करने का निर्णय लिया है। क्या इसमें गेहूं भी रहेगा? गेहूं रहेगा इसमें। सर कितने लोगों को रोज़ बुलाया जाएगा यहाँ पर? 12 गांव के लोगों को बुलाएंगे, 12 गांव के लोग जो भी और सुधाएँ, 12-13 गांव एक रेंडम बना दिया है, हर गांव एक सप्ताह के अंदर पूरे हमारे मंडी क्षेत्र के पूरे गांव तो उसमें आ जाएंगे, तो कम से कम 12 गांव। सर अभी तक गरोटो विकासखंड में कितने गाँव, कितनी मंडियाँ चालू हैं अभी? आज तो हमने गरोट मंडी भी शुरुआत की है आज, और कम से कम 25-30 काश्तकार आए थे आज, और शामगढ़ के आज चर्चा करके परसों के दिन चलेगी, और कल भानपुरा की मंडी भी हम शुरुआत करेंगे। विशेषकर क्या ध्यान रखने का कहा गया है? विशेषकर ये है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और फसलों को खरीदना है।